क्योंकि देर आर थ्री डिफरेंट फिलासफीज़ जो कि यूज़ की जाती हैं इन्वेंट्री के हिसाब से देर इज़ अ पुल्फ फल पुश इन्वेंट्री फलासफी एंड जस्ट इन टाइम ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना लेट्स लुक एट दीज थ्री डिफरेंट फलासफीज़ जो कि हम uh, करते हैं पुल्फ अगर हम देखें इन्वेंट्री सिस्टम जो है उसके अंदर इन्वेंट्री जो है वो स्टॉकिंग लोकेशंस जो हैं वो ड्रॉ करती ठीक है ना? फॉर एग्जांपल वेयर हाउसेज हैं इंडिपेंडेंट वेयर हाउसेज हैं वो ऑर्डर प्लेस करेंगे कि हमें इतना मटेरियल चाहिए तो इतने मटेरियल फैक्ट्री से वो उधर उनको सप्लाई किया जाएगा दैट विल बी बेसिकली इट इज़ पुलिंग द मटीरियल Uh, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो ये जो स्टॉकिंग लोकेशन है वेयर हाउसेज हैं ये एक्चुअली ऑर्डर प्लेस करेंगे और उतना ही माल एक्सेप्ट करेंगे उससे ज़्यादा नहीं करेंगे तो ये दैट इज़ पार्ट ऑफ पुल स्ट्रेटजी कह लें या पुल इन्वेंट्री कंट्रोल कह लें ई जो स्टॉकिंग uh, लोकेशन है वो इट इज़ कंसिडर इंडिपेंडेंट ठीक है वो अपना खुद ही हैंडल करेगा ऑर्डर और इसके अंदर जो इट मैक्माइजेज के अपने एरिया का लोकल कंट्रोल जो है वो इन्वेंट्रीज़ का बेहतर करता है जो क्योंकि वो वेयर हाउस उसको हैंडल कर रहा है वो लोकेशन उसको हैंडल कर रहा है जबकि पुश सिस्टम के अंदर पुश के अंदर जो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर वो एलोकेट करती है कि जी इतना माल डिफरेंट लोकेशन पे जाना चाहिए उसका ये है कि ऑल दो डिमांड आती लोकेशन से ठीक है ना लेट से डिमांड लोकेशन ए है बी है सी है ए ने पाँच हजार यूनिट्स की डिमांड की बी ने तीन हजार की की सी ने चार हज़ार की, की तो एवरेज चार हजार बन रहा है तो ये तीन ने की और टोटल डिमांड बारह हज़ार जो फैक्ट्री है उसने अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल के हिसाब से प्रोडक्शन करनी अब उसने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दी पंद्रह हज़ार कर दी तो वो क्या करेंगे फैक्ट्री वाले पुल सिस्टम में तो एग्जैक्ट पाँच तीन और चार हजार डिलीवर होंगे टू दीज वेयर हाउसेज बट पुश सिस्टम के अंदर इसके अलावा तीन हजार अब फैक्ट्री के पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो वो फैक्ट्री अपने पास नहीं रखेगी फैक्ट्री प्रोपोर्शनेटली उनके अंदर ये डिवाइड कर लेगी ठीक है ना तीन हजार को वो डिवाइड करेगी कि इतने सौ पांच हजार वाले के पास जाने चाहिए इतने तीन हजार के पास इतने चार हजार वाले के पास प्रोपोर्शनेटली उसको डिवाइड करके वो उधर भेज देंगे तो एक्चुअली uh, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो एक्चुअली पुश कर रही है अपना मटेरियल टू दिस स्टोरेज uh, लोकेशन uh, वो एग्जैक्ट उनके हिसाब से नहीं सप्लाई कर रही वो ऑल्डो उन्होंने मांगा कुछ था लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने सप्लाई कर दिया क्योंकि इनके पास ज़्यादा प्रोडक्शन इन्होंने की थी वाई इट इंक्रेजेज इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसे मैंने कहा कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस किया उन्होंने कि जी एक लॉट में हमने सेटअप चेंज करना होता है तो उसकी वजह से हम नौ हज़ार नहीं कर सकते हमने पंद्रह हज़ार करना है, लट से या बारह हजार नहीं कर सकते हमारे लॉट साइज इज फिफ्टीन थाउजेंड का तो हम फिफ्टीन थाउजेंड करेंगे और जो एक्स्ट्रा है वो हम इनको लोकेशन को सप्लाई कर देंगे तो दिस इज़ अनदर फिलोसफी जो कि यूज़ की जाती है इंडस्ट्री के अंदर द लास्ट वन इज़ जस्ट इन टाइम फिलोसफी जस्ट इन टाइम बेसिकली इट डज नॉट प्रोड्यूस फॉर स्टोरेज जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट ये है कि जब डिमांड आएगी जैसे ही डिमांड आएगी उसके हिसाब से हमने उस लाइक सो दैट इज़ जस्ट इन टाइम फिलासफी तो इसके अंदर होता ये है कि जो इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमाइज हो जाती है क्योंकि आप उसी वक्त प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जब उसकी डिमांड एक्चुअली आती है नॉट बेसिकली फोरकास्ट वगैरह के बेसिस के ऊपर प्लानिंग करके नहीं वो डिमांड आई है प्लानिंग होती है ये नहीं है कि प्लानिंग नहीं होती फोरकास्ट भी होती है लेकिन प्रोडक्शन एक्चुअल उस वक्त की जाती है जब एक्चुअल डिमांड आती है तो उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है आइडियल सिचुएशन के अंदर एग्जैक्टली उतनी ही क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाएगी और उसको सप्लाई किया जाएगा